ओ साहब जी, आप यहाँ हो? मैं देख रहा हूँ, देख सकते हैं साहब जी का तबीयत कैसा हो गया, देख सकते हैं इन्फेक्शन हो गया है बहुत ख़तरनाक वाला। सरकारी हॉस्पिटल से जो है दवा ले लिए थे और उसी के कारण उनके पता नहीं कैसे क्या हुआ, रिएक्शन कर दिया दवाई और पूरे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, फाइनली जो है देख सकते हैं, आज आप लोग देख रहे होंगे और हम देख सकते हैं किसके साथ हैं। ये हमारे पीएम सर हैं और फिलहाल में अभी लंच का टाइम हुआ है, 1:32 हो रहे हैं। तो ये फिलहाल में हम लोग चल रहे थे खाना खाने, तो सर चल रहे हैं आज कौन से होटल में चला जाए सर? RBS। तो आज चल रहे हैं हम और सर RBS होटल। चलो दिखाते हैं, एक बार गए थे, आपको शायद दिखाए होंगे, बहुत पुराना ब्लॉग आप देखेंगे उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल में आज चलो चलते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं और क्या खाया जाए, सब वही मेन्यू देख के पता चलेगा। फाइनली जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद चला जाता है होटल में। तो फर्स्ट टाइम सर जो है हमारे ब्लॉग में आ रहे हैं, चलिए। तो देख सकते हैं गाइस ये होटल, इस बार तो एकदम अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग सब लगा दिया है, अगली बार आए थे लाइटिंग नहीं लगी थी। अब आप बताओ क्या खाना है? पनीर पराठा मंगाते हैं, वही कौन सी रोटी? दही बटर रोटी। हाँ वही बटर वाली, बटर रोटी और वो। हाँ पनीर सब्जी वगैरह। साहिब कौन सा पनीर लाया? कौन सा पनीर है भाई? साहिब ने फ्राई पनीर जैसे, कोई शाही पनीर ही मंगाते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है? कोई मैं कोई भी पनीर लगाता हूँ, शाही पनीर। शाही पनीर ही लगाओ आप। हाँ दो प्लस दो कर दो, फिर इसके बाद एक साथ में दे देना भाई सर, एक साथ में देना चारों एक साथ। हाँ ऐसे रहे, गर्म रहेगा ना, ठंडी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। नहीं रहता रहता रहने दीजिएगा, बाकी बाद में देखते हैं। तो फाइनली गाइस ऑर्डर हो गया है, अभी भाई लाकर लाता है, फिर इसके बाद तब दिखाते हैं क्या क्या लाता है। आपको सुनी लिए हो क्या क्या लाया? सर को तो कुछ भी ला दो, सर बोल रहे हैं हमें सब अच्छा लगता है खाने में। हाँ जी सर, देख सकते हैं प्लेट वगैरह आ गई है और यहाँ पे देख सकते हैं चटनी भी लाया है। ये किस चीज़ का सब्जी है सब्जी? चटनी हरी सब्जी चटनी है, हरी चटनी, प्याज ला दिया है, अभी देखते हैं कब तक लाता है ये खाना। हमें सबसे अच्छा देख रहे हैं यहाँ पे लाइट जो लगी नहीं, ये मस्त लग रहा है, एक नंबर जैसे लाइटिंग लगी है। तो फाइनली देख सकते हैं पनीर और यहाँ पे देख सकते हैं पराठा आ गया है। तो चलिए सर शुरू करिए। आपने निकालिए तो देख सकते हैं गाइस इसमें पनीर कितना बड़ा बड़ा सा दिखा है, देख रहे हो? इसमें ऐसे ही बिना तले हुए डाल देते हैं ना, कच्चा में ही। कच्चा नहीं होता, ऐसे ही होता है। और हम लोग के गांव में क्या होता है, पहले से तला जाता है पनीर को। और सब्जी मंगानी है कल? क्या और मंगानी सब्जी है कल? अरे नहीं, आपको अगर खाना हो तो मंगा ले, मैं तो थोड़ी बहुत दिखाऊंगा। मैं तो खा कर आता हूँ, 10-11 बजे निकलता हूँ, 10 बजे निकलता हूँ। तो बस फाइनली मस्त खाना पीना हो गया। अब देख सकते हैं अभी सर भी बाहर खड़े हैं और गाड़ी निकाल भी नहीं सकते, उसका कारण देखो यहाँ पे ये दोनों गाड़ी रोड़ा बन गए हैं इस गाड़ी को निकालने के लिए। तो अभी वो बंदा खाना खा रहा है, खाना खा लेगा, 5-10 मिनट लगे, फिर इसके बाद तब गाड़ी निकलेगी। तो उससे पहले जो है हमें रूम पे चलना पड़ेगा। सर अपना आप चले जाइएगा, सर को ऐसे ही अकेले में छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक जो आपको पता है हमारे सुपरवाइजर सर हैं वो जो है हमारे रूम पर रहते हैं, और चाबी फ़िलहाल में एक उनके पास था और एक मेरे पास। उनका तबीयत ख़राब है इसीलिए मेरे को आज बाहर ड्यूटी लगी है, नहीं तो वही बाहर की साइड वही देखते थे। तो उन्हीं को चाबी देना है, वो चाबी ऐसा वाला ताला है जिसमें निकाल लेने के बाद दबा दो तो ताला बंद हो जाता है, वही वाला ताला उनके पास, वही वाला ताला है। तो चाबी जो है रूम में ही रख के बाहर से ताला लगा के चले आते खाना खाने के लिए लंच में, और एक चाबी मेरे पास थी। तो जब वहाँ पे रिटर्न गए रूम पे तो चाबी था ही नहीं, पर्स तो अपने रूम में ही रखे हैं। तो इसीलिए कॉल किए थे जब मैं हम लोग होटल में बैठे, तभी कॉल आया था
कि आ जा चाबी लेके, तो मैं कहा कि चलो मैं खाना खा के आता हूँ फिर लेके आते हैं, फिर दे देते हैं आपको। तो वही अभी जस्ट जैसे ही बाहर निकले फिर इसके बाद कॉल आ गया, तो बोल रहे हैं कि विशाल कहाँ रह गया यार, मैं बाहर ही बैठा हूँ। मैं कहा आ रहा हूँ साहब जी, रुको 5 मिनट। तो फाइनली वही वहाँ से निकले, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब गाड़ी से तो हम लोग आ रहे थे जहाँ पे साइड थी वहाँ से गाड़ी से गए थे होटल तक, फिर इसके बाद होटल से जो है रूम ज़्यादा दूर नहीं पड़ा, नज़दीक ही है इसीलिए। और मोबाइल भी चार्ज नहीं था, 1% चार्ज है दोस्तों, देख सकते हैं पावर बैंक लिए हैं, डाटा केबल ये है लगा के, फिर इसके बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा नीचे करके तो करना पड़ रहा है। ली जो है रूम पे पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं वही बिल्डिंग है जो ये वाइट वाला दिख रहा है ना, ये वाली वाइट वाली पूरी यही वाली बिल्डिंग है हमारी। तो देख सकते हैं बिल्डिंग के जस्ट सामने ये डिसमेंटल हो रहा है पूरा, ताकि रोड निकल जाने के लिए, देख सकते हैं काम जारी है इसमें, देख सकते हैं कैसा रोड है, एकदम गंभीर सा एकदम इसका। देखो जब ये टूट जाएगा सामने फिर इसके बाद तब रोड पे निकलने के लिए बढ़िया रहेगा। कि ये अंदर आ गए हम, कितना जल्दी पहुंच गए ना, बहुत जल्दी, मतलब बोलते ही बोलते 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 पहुंच गए। अब सीढ़ी से ऊपर चल रहे हैं और फिर इसके बाद देखते हैं कहाँ है साहब जी, कहाँ है यार, ये तो है ही ना, हमसे बोल रहे हैं रूम के बाहर ही खड़े हैं, देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, और वो कहाँ है पता नहीं। मैं ताला क्या करता हूँ, ओ साहब जी आप यहाँ हो, मैं देख रहा हूँ, देख सकते हैं साहब जी का तबीयत कैसा हो गया, देख सकते हैं इन्फेक्शन हो गया बहुत ख़तरनाक वाला, देखो होठ पे हो गया, आँख पे सब इन्फेक्शन, क्या हुआ साहब, कौन है ये है पूरी दुनिया। हाँ फाइनली जो है ताला खोल दिए, देख सकते हैं सर जी अब आराम करेंगे क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा डाउन है, सभी इन्फेक्शन हो गया। कैसे इन्फेक्शन हुआ दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल से जो है दवा ले लिए थे और उसी के कारण उनके पता नहीं कैसे क्या हुआ, रिएक्शन कर दिया दवाई, और पूरे हाथ में पैर में, फिर इसके बाद हर यहाँ पे, फिर इसके बाद पीछे पीठ पे, सभी जगह जो है छाले छाले जैसा पड़ने लगा उसी के कारण। उसी के लिए आज रेस्ट पे थे, तो फाइनली उनका ताला वाला खुलवा दिए, अब चलते हैं साइड पे। और साहब जी जो थे, एक मिनट, देख सकते हैं काम चल रहा है। तो गाइस फाइनली मैं साइड पे पहुंच गया और बंदे भी सब काम पे लग गए हैं, देख सकते हैं उधर ये सब बंदे, और मैं भी चलता हूँ वहाँ पे, हेलमेट अपना रखा हूँ, हेलमेट लगाता हूँ, और फिर इसके बाद फिर बैठ के एडिटिंग करते हैं जो ये वीडियो शूट करते हैं, ठीक, क्योंकि अब इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको अब अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने वाले हैं चैनल पे, और आप बस पर डे वॉच किया करो बस, ठीक। चलो आज के ब्लॉग एंड करते हैं, देख सकते हैं ये अभी इस पे रोलर वगैरह चला था तो ये पैरेलल हो गया था, इस पे भी जो है वही टाइल्स लगेंगे, जो ईट लग रहा है ना वो उस पे लगेगा, इस पे भी। इसका ड्रेसिंग वगैरह सब मैंने ही करवाया था जब स्टार्टिंग में आया था, सब इसे बहुत इतने बड़े बड़े से घास थे, इतने बड़े बड़े से सब पूरा ड्रेसिंग मैंने करवाया था यहाँ पे, जैसे भी लगा था पूरा पैरेलल भी करवाया था। इधर देख सकते हैं ये जो मिट्टी है ना, ये सब पूरा ये इसके ऊपर वाला ये पूरा मिट्टी जो है इस इधर का जो ऊपर नीचे था बड़ा वाला छोटा वाला मिट्टी, मतलब कि कभी उछाल होता है ज़मीन ना, तो लेबलिंग मशीन से लेबलिंग किया गया, फिर मतलब देखा गया कितना ऊँचा खाला है, फिर मिट्टी उठवा के इस साइड पूरा रखा गया, इसीलिए देख सकते इधर ऊँचा है इस साइड। तो दोस्तों चलो मैं भी साइड पे आ गया हूँ, हेलमेट लगा लेता हूँ, और फिर इसके बाद ब्लॉग को इसी पे एंड करते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा, आई होप कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।